हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव ध जय राधा माधव बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारि जय गोपी जन बलभ गिरीवरधारी यशोदानन्दनं व्रजनरञ्जन यशोदानन्दनं व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरवन चरि जय राधा आधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद 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 प्रभुपद जय जय प्रभुपाद जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय हरि जयनीताय ग्रंथराज हरिहरीपो की जय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ष्ट्राय भद्रेशो नित्यं भागवत भगवते उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिक ग्रंथराज श्रीमदभागवत स्कंद तीसरा अध्याय दूसरा भगवान कृष्ण का स्मरण शीर्षक है और श्लोक क्रमांक सात उद्ध उवाच कृष्णाद्योमणि निमलोचे गिरणेशो अज अजगरेणा ह किं नो नः कुशलं ब्रूयां गत श्रीषु गृहेषु अहम् उद्धव उवाच कृष्णाद्योमणि निम्लोचे गिर्नेष्व जगरेणः किं नूना कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम् उद्धव उवाच कृष्णद्योमणिनिम्लोचे गिरणेश्वजगरेणः किं नूनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम् उद्धव उवाच कृष्णद्योमणिनिं लोचे गिरणेष्वजगरेणः किं नूनः कुशलं कुशलं ब्रूयाम् गतश्रय गृहेश शब्दार्थ उद्धव वाच श्री उद्धव ने कृष्ण कृष्णद्यूमणि कृष्ण सूर्य निमलोचे अस्त होने पर गिरने शु, निगला जाकर अजगरेणा अजग अजगर द्वारा भूतकाल में किम क्या नो अन्य हमारी कुशलम कुशल मंगल ब्रूयाम मैं कहूँ गत गई गई हुई विहीन श्रीशु गृहेशु घर में अहम मैं अनुवाद श्रीउद्धव ने कहा हे विदुर संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूं तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्य, अत्यधिक उद्विग्न उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं संवेदना प्रकट करनी चाहिए क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था अतः न तो विदुर न उद्धव न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था विदुर जितने ही उद्धव विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे अतः उनके कुशलक्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान हैं वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वह अंधकार में समा जाता है तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है किंतु जब सूर्य भारत में जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है ज्यों ही जहाँ ज्यों ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त तो हो जाती है त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं जिस तरह सूर्योदय 24 घंटे में एक बार होता है उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में समाप्त एक दिन में सम्पन्न होती हैं भगवत गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण हम गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 430 करोड़ सौर वर्ष दिया गया है किंतु भगवान जहाँ भी उपस्थित रहते हैं उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती हैं जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं चोरों का चोरों को प्रोत्साहन मिलता है भूत प्रेत सक्रिय हो ज, उठते हैं कमल मलान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगते हैं करने लगती है उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं ओम ज्ञान तिरांध्य शलाक चक्षित ये न तस्म श्री गुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मेहेयं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस् राम राम हरे 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 कृष्णा तो आज उद्धव जी विदुर जी को उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं और आज जो है आज के श्लोक में हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि उद्धव जी विदुर जी को समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी वजह से सर्वत्र खुशहाली थी वह भगवान अप्रकट हो गए हैं जिस प्रकार से सूर्य अस्त हो जाता है और अंधा अंधकार छा जाती है उसी प्रकार से भगवान अप्रकट हो गए हैं और संसार में जितने भी भक्त हैं वह शोक में डूब गए हैं शोक में आ, समुद्र में डूब गए हैं विलाप कर रहे हैं इसलिए आप जो जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हो उस संदर्भ में इतना ही कहेंगे सदस्य जो हैं वो भगवान के विरह में और काल के प्रभाव से वह शब्द वह सब के सब अंतर्धान हो चुके हैं और भगवान के विरह में उद्धव जी जो हैं वह आ, आ, उनका मन जो है शोकग्रस्त है जिस प्रकार से विदुर जी का भी मन शोक ग्रस्त है तो यही अपना जो भगवान के भक्त भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए ही जीवित हैं और यही उनका कौशल्य है इसी में उनकी कुशलता है कि अब भगवान की लीला स्मरण करते हुए वह भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं तो जिस प्रकार से भगवान इस संसार में किन्हीं कारणों के लिए प्रकट होते हैं तो जैसे ही उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो फिर वह अप्रकट भी हो जाते हैं और जैसे भगवान के प्रकट होने से सारा ब्रह्मांड जो है खुशहाल हो जाता है वैसे ही भगवान के अप्रकट होने से ब्रह्मांड में दुख छा जाती है यह स्वाभाविक है क्योंकि भगवान सभी को प्रिय हैं और सभी भगवान से अत्याधिक प्रेम करते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यह साक्षात कृष्ण हैं और वह जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने बहुत सारे भक्तों को अपने संग का लाभ दिया था बहुत सारे भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु के संग में रहकर आनंद की अनुभूति करते थे ऐसे एक भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जिनका नाम है हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो कुछ समय पश्चात ठाकुर हरिदास भी जगन्नाथपुरी में निवास करने आ गए क्योंकि ठाकुर हरिदास अपने आप को जगन्नाथ मंदिर के भीतर जाने में अयोग्य मानते थे क्योंकि उनका जन्म एक यवन परिवार में हुआ था तो इसलिए उन्हें लगता था कि वह जगन्नाथ मंदिर में जाने जाने की उनकी योग्यता नहीं है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आग्रह किया कि वो एक ऐसे स्थान में रहें जहाँ से जगन्नाथ मंदिर का चक्र का दर्शन वो कर पाएं क्योंकि चक्र दर्शन करने से उतना ही लाभ मिलता है जितना कि भगवान का साक्षात दर्शन करने से लाभ मिलता है मंदिर के ऊपर जो चक्र है चक्र स्थापित करते हैं मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा होती है उसके दर्शन करने से साक्षात भगवान के दर्शन करना करने का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है ऐसे शास्त्र कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी के समुद्र के तट पर एक एकांत स्थान पर जहाँ पर एक बकुल वृक्ष था बकुल वृक्ष के छत्र छाया में हरिदास ठाकुर को स्थान दिया भजन करने के लिए उनसे आग्रह किया कि वही उस बकुल वृक्ष के नीचे बैठ कर वह अपना भजन किया करें और वो चैतन्य महाप्रभु प्रातःकाल उपल भोग के पश्चात उपल भोग अर्थात काल जब भगवान को भोग लगता है तो उस दर्शन के बाद महाप्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर जी से मिलने आया करते थे चैतन्य महाप्रभु कुल मिलाकर 24 वर्ष जो है सन्यास आश्रम में रहे जिसमें से छह वर्ष चौबीस वर्ष जो है सन्यास आश्रम में रहे चैतन्य महाप्रभु और ये चौबीस वर्ष जो है जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना आ, निवास आ, जो है उनका निवास था जगन्नाथपुरी में इन चौबीस वर्षों में से छः वर्ष जो है चैतन्य महाप्रभु प्रचार हेतु भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे और तत्पश्चात वह जगन्नाथपुरी में ही आ, बाकी 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में ही रहे जिसमें से जो छः वर्ष हैं वह भक्तों के साथ आ, आ, मिलकर संकीर्तन करते भक्त बहुत सारे भक्तों के घर जाकर प्रसाद ग्रहण करते आ, और आ, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे और आ, बाकी बारह वर्ष जो है चैतन्य महाप्रभु ने बस भगवान के नाम संकीर्तन में पूरी तरह से लीन होकर एकांत भजन किया बहुत कम भक्त उनसे मिल पाते थे तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के शेष जीवन का उल्लेख चैतन्य चरित्र चरितमृत में किया गया है यह बात उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु नित्य जगन्नाथपुरी के मंदिर जाकर जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे और वहाँ से प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर जी से मिलने आया करते थे तब तक हरिदास ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुके थे एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु ठाकुर हरिदास से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर हरिदास जो हैं नहीं एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने आ, अपने सेवक अपने निजी सेवक गोविंद जी को महाप्रसाद देकर जब भेजे थे ठाकुर हरिदास जी के पास तो गोविंद ने देखा कि ठाकुर हरिदास जी अपने पीठ पर लेटे हुए हैं और बहुत थके लग रहे हैं और धीमी आवाज़ में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं गोविंद जी ने उनसे कहा कि हरिदास जी आपके लिए महाप्रभु ने महाप्रसाद भेजा है कृपया आप उसे स्वीकारें तो उस समय हरिदास ठाकुर ने कहा कि कि कितना हमारा अहोभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है किंतु मैं कितना अभागा हूँ कि उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो हमने व्रत लिया था कि दिन में तीन लक्ष्य नाम भगवान का हम रोज लेंगे तत्पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करेंगे तो वह हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ है हम अपने नाम संख्या पूरी नहीं कर पाए हैं और साथ ही साथ महाप्रसाद जैसे ही प्राप्त होता है तो उसे पूर्वक हमें ग्रहण करना चाहिए अगर पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं तो वह भी अपराध है तो यह मेरी दुविधा है ऐसे हरिदास ठाकुर ने कहा कहने का तात्पर्य है कि हरिदास ठाकुर सोच रहे थे कि एक भी कण अन्न का ग्रहण करने की उन उन्हें अनुमति नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना नाम जब पूरा नहीं किया था साथ ही साथ महाप्रसाद अगर ग्रहण नहीं किया जाए खाया नहीं जाए तो उसे अपराध भी माना गया है महाप्रसाद के प्रति अपराध माना गया है जब भी महाप्रसाद प्राप्त तो हो तो भक्त ने कम थोड़ा या तो पूरी तरह से या कम से कम थोड़ा सा एक दाना भर महाप्रसाद का जरूर खा लेना चाहिए क्योंकि यह महाप्रसाद के प्रति आदर व्यक्त करने का तरीका है तो ठाकुर हरिदास ने क्या किया कि महाप्रसाद का एक छोटा सा कंठ एक दाना भर लिया उसे ग्रहण किया और फिर पुनः जो है नाम चिंतन में लग गए तो गोविंद जी हरिदास ठाकुर से विदाई बिदा, लेकर गोविंद जी आ, गंभीरा पहुंचे जहां पर चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास ठाकुर जी का क्या समाचार है तो गोविंद ने बताया कि ठाकुर हरिदास बड़े थके हुए लग रहे हैं दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब हरिदास ठाकुर से मिले तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास के हरिदास क्या समाचार है सब ठीक है कैसा चल रहा है तो ठाकुर हरिदास ने कहा कि प्रभु जहाँ पर भी आपके चरण है वहाँ पर तो सब शुभ मंगल ही होगा और हो आ, सब कुछ ठीक चल रहा है आ, बस खाली इतना ही है इतना ही बात आपसे कहनी है कि हमारा मन जो है वो कमज़ोर हो गया है शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त है शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है किंतु मन स्वस्थ नहीं है और इसलिए हम ठीक से नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास तुम्हारा अवतार इसीलिए हुआ था ताकि तुम नाम की महिमा और नाम का जो महात्म्य है वह संसार में प्रकाशित कर सको और तुमने अपने जीवन उदाहरण से उसे बहुत हद तक स्थापित कर दिया है अब तुम वृद्ध हो चुके हो इसलिए इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपना व्रत पूरा कर सको तो यही उचित होगा कि तुम अपनी नाम संख्या घटा दो उस समय हरिदास ठाकुर चैतर् हीन जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर हीन कर्मे रत मुनि अधम पाम ठाकुर हरिदास कहते हैं कि हे महाप्रभु मेरा जन्म जो है हीन परिवार में हुआ है और मेरा शरीर इसलिए बड़ा हीन है बड़ा अधम है मैं हमेशा अधम कार्यों में ही रत रहता हूँ इसलिए मैं सबसे अधम सबसे नीच हूँ और सारे मानव जाति का मानव जाति में सबसे वैकुंठ चढ़ाईला वैसे तो मैं अदृश्य और अस्पृश्य हूं मतलब मेरे मुझे अगर कोई देखे उसके सारे पाप उससे उसके सारे पुण्य जो हैं नष्ट हो जाते हैं और मेरा स्पर्श करने से लोग आ, आ, लोग जो हैं उन्हें पाप चढ़ता है तब भी फिर भी आपने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया आपने मेरा अंगीकार किया आपने मुझे स्वीकारा है अपने आ, आ, सेवक के रूप में और क्योंकि मेरे कार्य इतने अधम हैं तो निश्चित रूप से आ, मेरा तो नरक जाना यह निश्चित था किंतु आपने अपनी कृपा से मुझे वैकुंठ पहुंचा दिया है स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें जगत ना चाओ यारे जय भगवान आप स्वतंत्र ईश्वर हो और आप जैसे चाहो वैसे अपनी इच्छा से आप कार्य कर सकते हो इसी प्रकार आप अपनी इच्छा से संपूर्ण संसार में सभी से नृत्य करवाते हो और सभी से आ, वैसे ही कार्य करवाते हो जैसे आपकी इच्छा होती है आपकी इच्छा के विरुद्ध तो कोई कार्य कर भी नहीं सकता अनेक मोरे श्राद्ध पात्र और उसी प्रकार से आपने मुझे बहुत अलग अलग तरीके से मुझसे नृत्य करवाया है मुझे इतने उपाधियां आपने प्रदान आ, आप आपकी कृपा से मुझे इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाधि प्राप्त हुई है जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी प्राप्त नहीं होती वैसे आ, उपाधियां हमें प्राप्त हुई हैं। एक वंशा है या मोर बहुदीन है ते लीला, सव, लीला संवरी बे तुमी लय मोर चित्ते हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक इच्छा है और मैं उसे आपके समक्ष रख रहा हूँ बहुत समय से मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है आपके समक्ष रख रहा हूँ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप अपनी लीला जो है समाप्त कर कर इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाओगे और इसलिए मेरी यह इच्छा है कि सही लीला प्रभु मोरे कभु ना खईबो आप नारा आगे मोर शरीर पाड़ी बा मेरी इच्छा यह है कि प्रभु वह लीला वह लीला जहाँ पर आप अप्रकट हो जाते हो वह लीला दर्शन मैं ना करूँ तो ही अच्छा है उस लीला के पूर्व ही आपकी आज्ञा से आपके आशीर्वाद से मैं अपना शरीर त्याग देना चाहता हूँ और जहाँ पर भी आप भेजना चाहें अगला गंतव्य जो भी आप निश्चित करें वहाँ पर चले जाना चाहता हूँ किंतु आपकी यह जो तिरुभाव लीला है उसका दर्शन नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर के मन में ये बात आ चुकी थी कि शायद भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं और वृद्ध भी हो चुके थे इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वैसे भी तो वृद्ध हो गया हूँ मुझमें कोई अच्छे गुण नहीं हैं तो यहाँ पर रहकर क्या लाभ है आप कृपया करके हमें आशीर्वाद दें कि आपकी यह तिरोभाव लीला आपकी या आपका यह जो अप्रकट लीला है वह हम अपने नेत्रों से ना देखें उसके पहले ही शरीर त्याग दें और यहां से हम मुक्त हो जाए तो नयन देखु देखी नोमार चांद हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्रभु मुझे इस प्रकार से देह त्यागने दीजिए कि आपके चरण कमल में अपने वक्षस्थल अपने छाती से अपने हृदय से पकड़ कर रखूं और अपने नेत्रों से अपने नयनों से मैं आपके मुख चंद्र का दर्शन करता रहूं जिह्वाय उच्चारी मुँह तोमार कृष्ण चैतन्य नाम ऐ मत मोर इच्छा छाड़ी मु पर अपने जिवा से मैं आपका नाम ले सकूं कृष्ण चैतन्य नाम ले सकूं यही मेरी इच्छा है कि इसी प्रकार से मैं अपने हम जो हैं अपने प्राण त्यागे तो हे भगवान आप अत्यंत दयालु हो आप अत्यंत कृपालु हो कृपया करके आप अपनी यह दया मुझ तक पहुंचा दें अगर ऐसी आपकी इच्छा हो कृपया करके हमारी यह एक इच्छा जो है अंतिम इच्छा जो है आप पूर्ण कर दें ए नीचे देह मोरप पड़ु कतव आगे वंश सिद्धि मोर तो लागे यही मेरी इच्छा है कि ये मेरा शरीर जो है आपके आगे गिर जाए और यह अगर आपके लिए संभव है तो कृपया करके हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर दें चैतन्य महाप्रभु जब ये बात सुनते हैं तो हरिदास ठाकुर को उत्तर में कहते हैं कि हे ठाकुर हरिदास आप इतने महान भक्त हो कि जो भी आप इच्छा प्रकट करोगे वह भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी दया से निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे क्योंकि कृष्ण बड़े दयालु हैं और अपने भक्त की इच्छा पूरी पूरी करते हैं किंतु आ, मेरे मन की बात जो है वह भी आप सुन लीजिए किंतु आमार ए किू सुख सब तो मा किंतु आमार जे कि सुख सब तो माला योग्य नहीं या बे आमारे छिया भगवान कहते हैं कि जो भी सुख मुझे संसार में मिलता है वह आपके सत्संग के कारण मिलता है अगर आप ही हमें छोड़ के चला, चले जाएंगे तो ये थोड़ी ये कोई उचित बात नहीं है और इस प्रकार से आप अगर चले जाएंगे तो हम अकेले पीछे रह जाएंगे चोरों ने धरी कहे हरिदास न कर हाया अवश्य मो प्रभु में प्रभु कर जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते हैं तो हरिदास कहते हैं तो भगवान के चरण पकड़ करके कि प्रभु मुझे और भ्रम में मत डालिए बस कृपा करके मेरी ये इच्छा जो है आप पूरी कर दीजिए हरिदास कहते हैं मोर शिरोमणिकत कत महाशय तोमारी लार सहाय कोटि भक्त हो या महाप्रभु आपके लीला में सहायता करने के लिए कोटि कोटि महाभागवत महान भक्त हैं ऐसे महान भक्त हैं कि जिनके चरण कमल आ, मेरे सर पर आ, अगर पड़ जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाऊं तो ऐसे कोटि कोटि भक्तों का सानिध्य तो आपको प्राप्त होगा ही आमा है न यदि एक कीट मोरी गेला एक का मैले पृथ्वीर कहाँ हानि है ठाकुर कहते हैं कि मुझ जैसा कीट मुझ जैसा तुच्छ कीट कीट मुझे जैसा तुच्छ कीट अगर मर भी जाता है तो उससे क्या हानि है प्रभु अगर एक चींटी कहीं मर जाए कीड़ा कहीं मर जाए तो उससे इस भौतिक जगत को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भकत वत्सल प्रभु तुम्हें मोई भक्ता भास अवश्य पूरा बे प्रभु मोर आश हे प्रभु आप भक्त तो भक्तवत्सल हो मैं तो आपको ठीक से भक्त भी नहीं हूं मैं तो भक्ता भास का प्रदर्शन मैं तो, तो अभी इच्छा है तो हरिदास ठाकुर तो 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 क्योंकि मैं एक नकली भक्त हूं इसलिए आप मुझे कृपा नहीं देंगे किंतु तो प्रभु आप तो अत्यंत दयावान है भक्तवत्सल है तो बस आशा आप चैतन्य महाप्रभु अपने मध्यान के आ, जो क्रियाएं थी मध्यान कर्म हेतु तो वहां से निकल गए और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ आ, हरिदास ठाकुर के आ, भजन स्थले पर पहुंचे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर पहुंचे और वहां पर हरिदास के सामने आकर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को ठाकुर हरिदास महाप्रभु को दंडोद प्रणाम किए क्योंकि काफी उनका शरीर जो है थक चुका था और सारे वैष्णवों को उन्होंने प्रणाम किया फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास कैसी तबियत है आज क्या समाचार है हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु बस जो भी आप कृपा हमें प्रदान कर दें वही हमारे लिए दया है जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सुना तो उन्होंने सारे भक्तों से आग्रह किया कि वह संकीर्तन शुरू करें और वहाँ पर उस सुंदर से कुंज में सारे भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय और पंडित इत्यादि सारे भक्त जो हैं आ किंग करना शुरू किए वक्ता उदयेश्वर पंडित जो हैं नृत्य करना शुरू किए रूप स्वामी जो हैं कीर्तनकार है थे और चैतन्य महाप्रभु हरिदास के समक्ष खड़े जब संकीर्तन चल रहा था उस समय दास ठाकुर ने सारे का लेकर अपने सारे अपने शरीर पर लगा लिया प्रभु भक्तों के साथ ठाकुर का गुणगान करने लगे और बताने लगे कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति में लगाया था चैतन्य महाप्रभु तो ठाकुर हरिदास जी का गुणगान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उनके पास पांच मुख थे बस चैतन्य हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते हुए महाप्रभु बड़े ही उत्तेजित हो गए थे और इतने सुंदर रूप से वो गुणगान कर रहे थे कि सारे भक्त मुग्ध रह गए और जितना ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु ठाकुर हरिदास का आ, गुण के गुणों का वर्णन कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे आ, उतना ही उन उनका आनंद जो है बढ़ते जा रहा था जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मुख से ठाकुर हरिदास के दिव्य गुणों का वर्णन सुना तो सारे भक्त अचंभित रह गए और सब ने हरिदास ठाकुर के चरणों में दंडोत्त अपना दंडोत् प्रणाम जो है अर्पण किया हरिदास ठाकुर ने उस समय चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वो उनके निकट बैठ जाए और चैतन्य महाप्रभु उनके सामने ही बैठ गए तब उन्होंने अपने दोनों आंख श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों नेत्र जो है चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख चंद्र पर स्थिर कर दिया उनके सुंदर मुख्य मुख चंद्र का दर्शन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को लेकर उन्होंने अपने छाती पर रखा अपने हृदय पर हृदय स्थान पर रखा और सारे वैष्णवों का चरण रज लेकर अपने माथे पर उन्होंने वह रज रख दिया और फिर अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य कहते कहते जैसे वह भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रहे थे उस दर्शन को ग्रहण कर रहे थे और मुख से, अपने जिह्वा से नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और जिह्वा से भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए उनके शरीर में रोमांच आ गया उनके आँखों से प्रेमाश्रू बहने लगे और श्री चैत श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य कहते कहते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और वह भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो गए हरिदास ठाकुर के इस प्रकार से अपने देह त्याग का सारे भक्तों ने दर्शन किया और सारे भक्त विचार बड़े ही चकित गए कि, कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर ने इच्छा मृत्यु प्राप्त की जैसे उन्होंने इच्छा की थी वैसे ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई वैसे ही उन्होंने अपना देह त्याग किया उन्होंने यही इच्छा की थी कि चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुख चंद्र का दर्शन करते हुए और उनके चरणों को अपने हृदय स्थान पर धारण करते किए हुए और अपने जुहा से उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य लेते हुए वह शरीर त्यागे, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा और यह दृश्य देख कर देख कर सारे भक्त जो हैं बड़े ही आश्चर्यचकित हुए बड़ा ही आनंद हुआ और हरि बोल हरि बोल की गूंज से सारा आ, सारे आ, जो दस दिशाएं हैं वो गूंज उठी फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाया और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करने लगे हरिदास ठाकुर का शरीर अपने हाथों में रखकर चैतन्य महाप्रभु आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए नृत्य करने लगे और सारे भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए समुद्र के आ, समुद्र के पास पहुँचे वहाँ पर सारे भक्तों के साथ मिलकर स्वयं और अन्य भक्तों द्वारा उन्हें ठाकुर हरिदास के शरीर को आ, समुद्र के जल में उन्होंने प्रक्षालन किया और उसके बाद ठा चैतन्य महाप्रभु ने यह ऐलान किया यह घोषणा की कि आज से ये समुद्र जो है पवित्र तीर्थ बन गया है क्योंकि समेत इस समुद्र के जल में ठाकुर हरिदास जी के पावन शरीर का प्रक्षालन किया गया है यह समुद्र जो है अत्यंत भाग्यशाली है और ये सारे भक्तों के लिए पावन तीर्थ है तत्पश्चात समुद्र के तट पर ही सरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य भक्तों ने हरिदास ठाकुर की समाधि के लिए रेती में एक गड्ढा खोदा और फिर हरिदास ठाकुर के शरीर को वहाँ पर समाधि में रख दिया गया जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ की जो पुष्पमाला है और अन्य चंदन इत्यादि जो भी चढ़ावा होता है भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है ये सारा महाप्रसाद लाया गया ठाकुर हरिदास के शरीर को उस चंदन महाप्रसाद से लेपा गया उन्हें भगवान के महाप्रसाद जो पुष्पमालाएँ हैं उससे उनके शरीर को सजाया गया और उनके शरीर को समाधि में रख दिया गया फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने तो हाथों से उनके शरीर पर रेती डालने लगे और सारे भक्त उनके शरीर पर रेती डालने लगे इस प्रकार ठाकुर हरिदास जी को समाधि में वहाँ पर रख दिया गया और वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी की बाद में समाधि स्थल है इसके लिए वहाँ पर एक संकेत रखा गया बाद में वहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया लेकिन समाधि में रखने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए सिम्हद द्वार पहुँचे जगन्नाथ जी के सिम द्वार पहुँचे और वहाँ पर जितने भी दुकानदार थे उनसे उन्होंने स्वयं अपने चादर फैलाकर भिक्षा मांगी कि ठाकुर हरिदास जी के तिरुभाव के अवसर पर जो भक्त भोज का का कार्यक्रम किया जाएगा उसके लिए वह प्रसाद दान करें और बड़े उदार मन से सारे दुकानदारों ने बहुत सारा महाप्रसाद दान किया साथ ही साथ काशी मिश्र जी जो हैं जगन्नाथ जी के अ, अन्न महाप्रसाद अन्य जो है अ, अ, भोजन महाप्रसाद जो है जगन्नाथ जी के मंदिर से वह ले आए और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को पंगत में बिठाकर स्वयं अपने हाथों से उन्हें महाप्रसाद वितरण करने लगे ये कहकर कि ये महाप्रसाद जो है हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के पावन तिथि के आनंद में आप ये महाप्रसाद खाएं और स्वयं वह वितरण करने लगे और भक्तों को महाप्रभु ऐसे महाप्रसाद वितरण कर रहे थे मानो जैसे कि उनके दस हाथ हों उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उन्हें रोका और कहा कि आप स्वयं बैठ जाएं अगर आप महाप्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई भक्त महाप्रसाद ग्रहण नहीं करेगा उस दिन का दोपहर का जो भोजन था वह चैतन्य महाप्रभु किसी और के यहाँ पर लेने वाले थे काशी मिश्र जी के यहाँ ग्रहण करने वाले थे किंतु महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के अवसर पर बड़े आनंद से वहीं पर महाप्रसाद ग्रहण किया और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद बड़े आनंद में चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को यह वरदान दिया कि हरिदास ठाकुर का का देह त्याग जिस जिस भक्त ने देखा है वो बड़ा ही बड़ा। और जो भी हरिदास ठाकुर जो हैं वो भगवान कृष्ण के बड़े ही बड़े ही प्रगत भक्त हैं और भगवान कृष्ण उनकी इच्छा को टाल नहीं सके जिस प्रकार से उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी थी वैसे ही उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई या जिस प्रकार से जो इच्छा उन्होंने व्यक्त किया था देह त्यागने का वही इच्छा श्री कृष्ण भगवान ने पूरे पूरी पूर्ण किया और इसी प्रकार से भीष्म देव ने भी भगवान उनकी भी यही इच्छा थी कि जब तक भगवान का दर्शन करते हुए वह देह देह त्यागना चाहते हैं तो उनकी भी वही अभिलाषा जो है भगवान ने पूरी की थी तो सभी लोगों को भीष्म देव के आ, देह त्याग करना करने का जो आ, देह त्याग का जो स्मरण है सारे भक्तों को होने लगा और चैतन्य महाप्रभु ने यह वरदान दिया कि जो भी हरिदास ठाकुर के तिरोभाव का यह स्मरण करेगा उसे बहुत जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी और भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर जाएगा तो यहाँ पर यह प्रसंग है जहाँ पर भक्त व्यक्त करते हैं भगवान से कि वह उनके तिरुभाव लीला वह उनके अप्रकट लीला जो है भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य दोनों ही भगवान की लीला होती है तो भगवान का अप्रकट अप्रक अप्राकट्य लीला जो है वह दर्शन नहीं करना चाहते थे हरिदास ठाकुर और वैसे ही उन्हें लाभ मिला क्योंकि भक्त जो है भगवान के अप्रकट होने का जो विरह है उससे भक्त प्रेरित नहीं होते हैं वो चाहते नहीं कि भगवान कभी भी अप्रकट हो जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान अपने अप्रकट होने के पूर्व यदुवंश के जितने भी उनके मित्र थे जितने भी उनके यदुकुल के सदस्य थे पहले भगवान ने उन्हें उनका तिरोभाव करवा दिया ताकि उन्हें दुख ना हो और फिर वह अप्रकट हुए किंतु उद्धव जी को भगवान ने एक विशेष सेवा दी थी उद्धव जी से कहा था कि उद्धव आप बद्रिकाश्रम जाए और वहाँ पर जितने भी संत हैं वह हमारे विरह में होंगे तो जाकर आप उन उनके सत्संग में वहाँ पर रहें और उन्हें अपनी संगति प्रदान करें तो उद्धव जी को सेवा दी थी और वही सेवा के कारण उद्धव जी भगवान के विरह को सह पा रहे थे क्योंकि भगवान की सेवा भक्त हमेशा करता है भगवान के प्रकट अवस्था में या भगवान के अप्रकट अवस्था में किसी भी अवस्था में भक्त जो है भगवान की सेवा करना चाहता है भगवान के आदेशों का पालन करना चाहता है तो उद्धव जी यहाँ पर भगवान के विरह में दुख की अनुभूति कर रहे हैं किंतु क्योंकि भगवान ने सेवा दी है इसलिए सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं उसी प्रकार से जब अर्जुन द्वारका पहुँचे क्योंकि अ, वह भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे और द्वारका पहुँच कर वहाँ पर छः सात महीने अर्जुन जी रहे भागवत में समझाया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े से परेशान थे कि अर्जुन जी इतने समय तक द्वारका रह गए तो हुआ ये था कि अर्जुन जी जो हैं भगवान के अप्रकट होने का जो दुख था उसके कारण द्वारका में रह गए और भगवान ने उन्हें सेवा दी थी कि जो द्वारका की रानियां हैं उन्हें आप हस्तिनापुर ले जाए उनके सुरक्षा के लिए तो उनकी इस सेवा के कारण अर्जुन जी जो हैं हालांकि बहुत दुखी थे फिर भी वह द्वारका से हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर पहुंचते ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अर्जुन बड़े दुखी हैं और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज को कुछ संकेत प्राप्त हो रहे थे कि शायद भगवान कृष्ण जो हैं अब इस भूतल से इस धरातल से अप्रकट हो चुके हैं तो अर्जुन जी के आते ही युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा कि अर्जुन सब आ, सब कुशल पूर्वक तो है ना द्वारका में हमारे आ, जिस प्रकार से विदुर जी आ, उद्धव जी से जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं वैसे ही ठीक उतनी जिज्ञासा उन्हीं लोगों के बारे में कुछ नौ दस का अंतर नौ दस का जो है अंतर है युधिष्ठिर जी के जिज्ञासा में या उन्नीस बीस का कहते हैं उन्नीस बीस का अंतर है युधिष्ठिर जी के जिज्ञासा में और विदुर जी के जिज्ञासा में अन्यथा युधिष्ठिर जी भी वही पूछताछ करते हैं अर्जुन से और अर्जुन उन्हें समाचार देते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं जिन्होंने जिनके साथ हमने आ, कितना समय बिताया था जिन्होंने हम पर कितनी दया की थी जिनके साथ हम उठते थे बैठते थे जो हमेशा हमारे हितैषी के रूप में थे बहुत स्मरण किया और आ, आ, भगवान के सारे लीलाओं का स्मरण किया अर्जुन ने उनके आँख से अश्रु धाराएँ बह रही थी और फिर उन्होंने बताया कि वह अब अप्रकट हो गए हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान अप्रकट हो गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज का मन जो है आ, सारे संबंधों से और भौतिक व्यवहारों से उनका मन उठ गया उन्होंने तुरंत सारा प्रयोजन कर दिया कि परीक्षित जो अब तक बड़े हो चुके थे और प्रशिक्षित हो चुके थे उनका राज्य अभिषेक कर कर उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर दिया जाए और शूरसेन जो राज्य था जिसकी आ, राजधानी मथुरा थी वहाँ पर वज्रनाभ को उन्होंने स्थापित कर दिया और आ, बाकी आ, जो भी है परीक्षित महाराज की आ, मदद के लिए आ, उन्होंने युयुत्सु को नियुक्त किया कि आप जो हैं उनकी मदद करें और युधिष्ठिर महाराज अपना आ, 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 दान धर्म करते हुए यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने अपने राजसी कपड़े त्याग दिए और प्रागी के अवस्तर करके उच्चा में चले भगवान के ध्यान करने के लिए नाम स्मरण करते हुए देह त्यागने के बाद जब होते हैं पास जो भक्त भगवान के साथ प्रकट होते हैं सेवा के लिए ही वो प्रकट होते हैं जब उनकी सेवा समाप्त हो जाती है और भगवान अप्रकट हो जाते हैं तो भक्त जो है भगवान के साथ वह भी जहाँ भगवान चले गए हैं वहीं पर वह भी जानना चा, जाना चाहते हैं तो यह दुख जो है भक्त के मन में रहता है जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं विशेष करके जो भगवान लीला में आ, और साथ देने के लिए उनकी सेवा करने के लिए भगवान के होते हैं साथ साथ बाकी पदव भी उनके निकल गए सब कुछ त्याग करके तो जब तक सेवा थी सेवा के लिए युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी ने प्रकट के पश्चात ही पूरी तरह से सेवा अपनी निभाई और उत्तरदायित्व जब दूसरे को दे दिया अन्य योग्य व्यक्ति को उत्तरदायित्व दे दिया तो भगवान के विरह में ज़्यादा दिन रह नहीं पाए और सब जो हैं भगवान के साथ पुनः मिलन के लिए वह भी अप्रकट वह भी जो है देह त्यागने के लिए चले गए तो एक आज का संदर्भ जो है जहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि भगवान अप्रकट हो गए हैं और अब सिर्फ एक ही कार्य में उनके भक्तों का भक्तों की का जीवन जो है एक ही कार्य से वह कुशलपूर्वक है वह है कि भगवान की सेवा करें उद्धव जी जानते थे कि विदुर जी भी इसी प्रकार के दुख की अनुभूति करेंगे और इसीलिए वो विदुर जी को सहानुभूति दे रहे हैं कि अब क्या कहें विदुर जी भगवान जो हमारे सब कुछ थे वह अप्रकट हो गए आगे भी संवाद होगा यहीं पर संवाद समाप्त नहीं है किंतु आज जो चर्चा का विषय है वह यह है कि भक्त क्यों भगवान के अप्रकट से अप्रकट होने से दुखी होता है क्योंकि भक्त को दुखी होना नहीं चाहिए भक्त का दुख जो है साधारण व्यक्ति के दुख से अलग होता है भक्त, भक्त का दुख यह होता है कि अब प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे जबकि प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने की उनकी बहुत अभिलाषा होती है और जो भी भगवान ने आदेश दिया हुआ है अप्रत्यक्ष रूप में सेवा करने के लिए जैसे ही वो सेवा समाप्त हो जाती है तो भक्त तुरंत भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप से फिर से मिलकर उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहता है तो भक्त जो है साधारण व्यक्ति की तरह दुख नहीं करता क्योंकि साधारण व्यक्ति का दुख जो है वो संसार के या काल के प्रभाव से वो दुख उत्पन्न होता है उस दुख में वो पूरी तरह से निस्सहाय हो जाता है पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है पूरी तरह से मजबूर हो जाता है कुछ नहीं कर पाता उस दुख के कारण क्योंकि जिस व्यक्ति के विरह में वो दुख व्यक्त कर रहा है वो व्यक्ति उसे पुनः प्राप्त उसका सानिध्य पुनः प्राप्त होना शायद असंभव होगा क्योंकि काल के प्रभाव से और कर्म कर्म फल के प्रभाव से हर व्यक्ति जो, जो है अपनी अपनी अलग अलग यात्रा पर निकल जाता है हर आत्मा जो है अपने अपने अलग अलग यात्रा पर निकल जाता है इसलिए जिसके भी प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं जिसके भी निधन पर हम दुख व्यक्त करते हैं वह दुख जो है वह हमें अत्यंत पीड़ा देती है किंतु जब भगवान के विरह में भग, भक्त दुख व्यक्त करते हैं जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त था और फिर भगवान अप्रकट हो गए तत्पश्चात जो विरह उत्पन्न होती है उसमें जो दुख उत्पन्न होता है उस दुख में उनके पास उनकी एक आशा यह होती है कि सेवा में भगवान उपस्थित हैं और जैसे ही सेवा समाप्त हो जाएगी पुनः भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा तो भगवान का सानिध्य उन्हें पुनः प्राप्त होने की आशा उनके पास होती है भगवान के साथ जो उनका नित्य संबंध है वह नष्ट नहीं होता काल उसे नष्ट नहीं कर सकता है किंतु इस संसार में जो भी हमारे संबंध होते हैं वह काल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनर्जीवित व्यक्ति कर नहीं सकता इसलिए वह पीड़ा अत्यंत पीड़ा होती है और उस पीड़ा से व्यक्ति या उस दुख से व्यक्ति बच नहीं सकता उस दुख से व्यक्ति को बीतना ही पड़ता है उस, उस दुख को व्यक्ति उस दुख को व्यक्ति को स्वीकारना ही पड़ता है और जितने बार व्यक्ति जन्म लेगा उतने ही बार उसे वह पीड़ा होगी किंतु भगवान का जो भक्त होता है जिसने भगवान के साथ प्रत्यक्ष लीला में भाग लिया हुआ है भगवान के अप्रकट होने के पश्चात वो जानता है कि भगवान से फिर उसका उसकी भेंट होने वाली है प्रत्यक्ष रूप में जैसे ही उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी वह भी शरीर त्याग करके भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे और फिर भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा तो उनका दुख जो है उस दुख वो दुख इसलिए है क्योंकि भगवान के भगवान से विरह की अनुभूति हो रही है किंतु बहुत आशा रहती है उनके मन में कि पुनः भगवान से उनका मिलन होगा तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करना इसी में बुद्धिमानी है क्योंकि भगवान कभी भी हमारे संत साथ अपना संबंध तोड़ते नहीं और ना ही उनके साथ हमारा संबंध कभी भी टूट सकता है बाकी जितने भी रिश्तेदारियां संबंध हैं संसार में वो काल के प्रभाव से हमेशा के लिए टूट जाती हैं दूसरी बात जो श्री प्रभुपा जी समझा रहे हैं आज के तात्पर्य में वह यह है कि भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य साधारण व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से विभिन्न हैं भगवान उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार से सूर्य देव किसी पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र में प्रकट होते हैं और उसी प्रकार अस्त होते हैं जिस प्रकार से उसी क्षेत्र में सूर्य देव जो हैं अस्त हो जाते हैं सूर्यदेव के प्रकट होने से कोई नया सूर्य जन्म नहीं ले रहा है और उनके अप्रकट होने से सूर्य की मृत्यु नहीं हो रही है किंतु सिर्फ इतना ही हो रहा है कि हमारे सीमित इंद्रियों के इंद्रियों की सीमा के कारण हमारी इंद्रियों की क्षमता क्योंकि सीमित है तो अपने सीमित दृष्टि से हम सिर्फ सूर्य को उगते हुए देख सकते हैं और अस्त हुए देख सकते हैं हम सूर्य को नित्य नहीं देख पाते हैं यह आ, हमारे कमजोरी के कारण है हमारे नेत्र कमजोर हैं हमारे नेत्रों में वो क्षमता नहीं है कि नित्य सूर्य को देख सके, सके हालांकि सूर्य जो है नित्य अंतरिक्ष में उपस्थित रहते हैं हमारी क्षमता इतनी कम है कि हम सूर्य को कुछ ही काल तक देख पाते हैं और उनको उदित होते हुए देखते हैं उनको जब शरीर होता है <सीवे> शरीर धारण करता है क्योंकि कृष्ण को भूल गया है कृष्ण को भूल कर जब व्यक्ति सुख भोग हमारी इंद्रियां बहुत सीमित रूप से कार्य करती हैं और उसी कारण से हमें सुख और अत्यंत दुख प्राप्त होता है क्योंकि इंद्रियां सीमित होने के कारण पूरी तरह से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता इन सीमित इंद्रियों से भगवान का नित्य दर्शन करना आ, संभव नहीं है साथ ही साथ क्योंकि इस संसार में भगवान ने अपनी काल शक्ति को आ, आ, उसे आ, आ, अपने काल शक्ति को भगवान ने श्रेष्ठ रखा हुआ है काल शक्ति को भगवान ने सर्वोपरि रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर भगवान जब आते हैं प्रकट होते हैं तो सिर्फ आ, कुछ उद्देश्य स्थापित करने के लिए कुछ उद्देश्य हेतु ही यहाँ पर प्रकट होते हैं जैसे ही उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो फिर भगवान यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं और काल शक्ति को पुनः भगवान जो है सर्वोपरि क्षमता प्रदान कर देते हैं काल जो है यहाँ पर सबके ऊपर राज्य करते हैं तो इस संसार में भगवान प्रकट और अप्रकट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान के नित्य दर्शन करने की हमारी क्षमता बहुत सीमित है अगर हम असीमित क्षमता से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें शरीर त्याग करके अपने दिव्य स्वरूप में स्थित होकर भगवान के नित्य सेवा में संलग्न होना पड़ेगा तभी जाकर हम भगवान के नित्य दर्शन को कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हम प्रश्नों का देने का प्रयास करेंगे तो अभी तक तो कोई प्रश्न पहुंचा नहीं है तीन बार हमारे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तब तक कोई भी प्रश्न हो आप लिख कर भेज दें हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे नहीं आए हैं धन्यवाद श्रीमद भागवतम की जय शील प्रभुपाद की